हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका सेट नंबर 28 स्टूडेंट, या इस सेट में आपका 12 प्रॉब्लम दिया गया है। यह 12 प्रॉब्लम आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, तो इस 12 प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करेंगे और यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट होगा उसको क्या करना है स्टूडेंट लिखना है, अपना नोट्स बना लेना है और ये प्रॉब्लम जो भी बताएंगे उसको बार बार रिविजन करना है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। चलो स्टूडेंट, ये आपका क्या है, JSSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 सेट नंबर 28। ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा उसको क्या करना, अपने कॉपी में क्या बनाना है, नोट्स बनाना है और बार बार रिविजन करना है। क्या बोल रहा, देखो, एक करेंट I=10+10 sin t A इज पास्ड थ्रू, ये आपका करेंट पासिंग कर रहा है मूविंग आयरन टाइप आमीटर से, क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इट्स रीडिंग विल बी, यदि इस तरह का करंट यदि आपको मूविंग आयरन टाइप्स इंस्ट्रूमेंट से यदि पास करेंगे तो इसका रीडिंग क्या शो करेगा, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है। यदि इस तरह का इक्वेशन दिया जाए स्टूडेंट और इस तरह का करंट आपको मूविंग आयरन के थ्रू पास करे तो जो आपका रीडिंग होगा वह आपका क्या करेगा, RMS वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा, क्योंकि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो RMS वैल्यू को क्या करता है, रीड करता है। इसका मतलब स्टूडेंट, इसका RMS वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इस सिग्नल का RMS वैल्यू को आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो इस सिग्नल का RMS वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट, तो वो आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो, ये आपका क्या है, ये सिग्नल जो है, या करंट सिग्नल जो है, ये किससे पास कर रहा है, मूविंग आयरन से पास कर रहा है, मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से पास कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, IRMS वैल्यू को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब IRMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका अलग से RMS वैल्यू क्या होगा, तो DC सिग्नल का जो RMS होता है 10 होता है और AC सिग्नल का जो RMS होता है वो आपका IM/√2 होता है। दोनों का इंडिविजुअल RMS निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टिंग RMS वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टिंग RMS वैल्यू को कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, वो देखो, IRMS 1 सिग्नल का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या होगा, IRMS 2, मतलब ये सिग्नल को हम लोग 2 मान लेते हैं और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और होल का क्या होगा, रूट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट, पहले का सिग्नल का जो RMS वैल्यू होगा वो 10 होगा, तो 10 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और दूसरे सिग्नल का जो RMS वैल्यू होगा 10 बाय क्या होगा, √2 होगा, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहां से आपका 100 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 50 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग शो करेगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा। कौन सा वैल्यू को रीड करेगा, सी वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि यदि आपसे मूविंग टाइप ऑफ आयरन, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट से किस तरह का सिग्नल का मेजर होगा, तो आपको बोलना है RMS वैल्यू को मेजर करेगा और आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो AC और DC दोनों वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। AC और DC दोनों वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। कौन, मूविंग आयरन, आपको याद रखना होगा। अब देखो, द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, आपका स्केल जो होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का वो कैसा होगा स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं दिया गया है, यूनिफॉर्म दिया गया, लीनियर दिया गया, क्रैम्ड स्केल होगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें टिक आउट करेंगे, क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो आपका स्केल होता है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, या तो क्या बोलेंगे, क्रैम्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रैम्ड बोलेंगे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो आपका स्केल होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहीं पर यदि आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल देता, PMMC देता, तो आपका आंसर हो जाता यूनिफॉर्म और क्या हो जाता, लीनियर हो जाता, क्योंकि PMMC जो होता है वो मेजर करता है यूनिफॉर्म के साथ साथ लीनियर होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रैम्ड होगा, या तो आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो द स्केल ऑफ द मूविंग आयरन कैसा होगा, क्रैम्ड होगा, या तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। आप अपने कॉपी में नोट्स करके लिख लो। चलो आगे चलते, 3 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हिच इंस्ट्रूमेंट हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो आपको देखना है स्टूडेंट, इसमें आपका कौन सा
ऑप्शन एक्यूरेट है। तो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, लोएस्ट होगा। क्या होगा, लोएस्ट होगा। व्हिच इंस्ट्रूमेंट हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस किसका होता है, एमीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लोएस्ट होता है। आपको याद रखना होगा कि एमीटर का जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलो चार नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए वोल्टमीटर, यदि वोल्टमीटर का रेंज को इंक्रीज करना है तो आप किस तरह का कनेक्शन करोगे, ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज और एक हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, यदि हम लोग वोल्टमीटर का रेंज को इंक्रीज करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करेंगे और उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। तो आपको याद रखना होगा यदि वोल्टमीटर का रेंज को इंक्रीज करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करेंगे और आपका उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा क्या होगा, हाई होगा। तो आपको याद रखना ये हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज, ये हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन क्या होगा, सीरीज होगा। यही क्वेश्चन यदि रहता घुमा के, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए एमीटर, एमीटर का रेंज को इंक्रीज करना है तो आप क्या करते, आप रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करते पैरेलल में, बट वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता, लो होता। वो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता, लो होता। यदि स्टूडेंट यहां पर वोल्टमीटर के जगह पर आपका एमीटर दिया जाता तो आंसर हो जाता आपका बी, क्या होता, ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए पैरेलल होता, बी होता। तो आपसे इस प्रॉब्लम से दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है, यदि यहां पर वोल्टमीटर होगा तो आंसर हो जाएगा सी, यदि यहां पर एमीटर रहेगा तो आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब एमीटर का रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस को कनेक्टेड करेंगे इन द पैरेलल कनेक्शन। इसका मतलब इसका आंसर हो, इसका आंसर होगा सी, बट यहां पर यदि एमीटर रहता तो आंसर होता बी। चलो आगे चलते हैं। मूविंग आयरन मीटर कैन बी यूज टू मेजर, मूविंग आयरन किस तरह के चीज को मेजर करता है, तो एसी और डीसी दोनों वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। कौन मेजर करता है, मूविंग आयरन मीटर मेजर करता है। यही यदि स्टूडेंट यहां पर यदि रहता PMMC कैसा वैल्यू को मेजर करता है तो आपका आंसर होता ओनली क्या होता, ओनली क्या होता, डीसी होता, ओनली क्या होता, डीसी होता, ओनली क्या होता, डीसी होता। इसका फुल फॉर्म होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ओनली मेजर फॉर डीसी वैल्यू, ओनली मेजर फॉर डीसी वैल्यू, बट मूविंग आयरन मीटर दे आर मेजर बोथ एसी एज वेल एज डीसी, मतलब एसी के साथ साथ डीसी को भी क्या करेगा, मेजर करेगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मूविंग आयरन के जगह पर PMMC रहता तो आंसर होता आपका ओनली डीसी। चलो आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड इन डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, मतलब एमीटर का कनेक्शन कैसा होगा स्टूडेंट और वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसा होगा वो पूछ रहा है। तो एमीटर का कनेक्शन जो करेंगे ऑलवेज करेंगे सीरीज में कनेक्टेड करेंगे और वोल्टमीटर का जो कनेक्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल में होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एमीटर का कनेक्शन कैसे करोगे, सीरीज में करोगे और वोल्टमीटर का कनेक्शन कैसे करोगे, पैरेलल में करोगे। इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको आप याद रखोगे, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट क्या बोल रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म स्केल किसका होता है, अभी बताए थे यूनिफॉर्म स्केल किसका होगा, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग टाइप्स जो होगा वही आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल होगा। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो आपका कैसा होगा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म स्केल होगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और ये बात बाकी सब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये आपका स्केल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये ओनली कैसा वैल्यू को मेजर करता है, तो ओनली आपका डीसी वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा ए। चलो 8 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेव, ये आपका एक वोल्टेज वेवफॉर्म दिया गया स्टूडेंट, इस वेवफॉर्म का आपको एवरेज वैल्यू को निकालना है। तो एवरेज वैल्यू ओनली फॉर द मेजर द डीसी वैल्यू, अब देखो ये एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा इस सिग्नल का, तो इस सिग्नल का जो एवरेज वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, ओनली डीसी वैल्यू होगा। जो आपका डीसी वैल्यू है वही आपका क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा इस
पर्टिकुलर वोल्टेज इक्वेशन का। तो इस तरह का सिग्नल दिया जाए और आपसे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो जो डीसी वैल्यू होगा वही उसका प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा 110 वोल्ट होगा। अब देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जिसका वैल्यू क्या होता बहुत हाई रेंज का होता उसी को क्या बोलेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, मेगर बोलते हैं। मेगर आपका क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है बहुत हाई मेजर वैल्यू को मेजर करता है। इसका मतलब ये मेगा ओम रहेगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस किससे करेंगे, तो मेगा ओम से करेंगे। इसका रेंज क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का रेंज क्या होगा, हाई होगा। इसका रेंज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो आपका क्या होगा, मेगा ओम में होगा। क्या होगा, मेगा ओम में होगा। स्पीड ऑफ द मेगर इज कैप्ड, स्पीड ऑफ द मेगर का स्पीड कितना होता है स्टूडेंट, 160 RPM होता है। कितना होता है, 160 RPM होता है। स्पीड ऑफ द मेगर इज कैप्ड, कितना उसका मेगर का स्पीड होता है, तो आपको बोलना है 160 RPM होता है। कितना होता है, 160 RPM होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। अल्फा आपका क्या होता है स्टूडेंट, करंट गेन होता है, और बीटा भी आपका क्या होता है, करंट गेन होता है। ये आपका, ये आपको बता चुके थे, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आई सी बटा क्या होता है स्टूडेंट, आई ई होता है, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी बटा क्या होता है, आई बी होता है। आई सी बटा क्या होता है, आई बी होता है। आई सी का मतलब होता है कलेक्टर करंट, आई का मतलब होता है इमीटर करंट, IC का मतलब होता है कलेक्टर करंट, और IB का मतलब क्या होता है, बेस करंट। तो अल्फा क्या होता है, करंट गेन होता है। इसका जो रेशियो होगा IC बटा क्या होगा, IE होगा। ये कहां से आता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। ये आपका कहां से आता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। बीटा आपका कहां से आता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन पूछेगा, तो आपको याद रखना होगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू को दे देगा अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तभी जाके आपका क्या निकलेगा, बीटा का वैल्यू निकलेगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, लास्ट वाला प्रॉब्लम है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, व्हाट किसका यूनिट होता है स्टूडेंट, एसआई यूनिट किसका होता है, तो आपको याद रखना होगा वाट जो होता है वो आपका किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। तो ये आपका 12 प्रॉब्लम था, बेहद इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ये सब प्रॉब्लम को क्या करना, अपने नोट्स कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है, और बार बार क्या करना है, रिविजन करना है। इसका मतलब है मूविंग आयरन कैसा मेजर करेगा, आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, ये बता दिए। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है, क्रैम्ड होता है। उसके बाद व्हिच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जो लोएस्ट रेजिस्टेंस, एमीटर होगा। यदि हमको वोल्टमीटर का रेंज को इंक्रीज करवाना है तो हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज होगा। उसके बाद मूविंग आयरन मीटर कैसा मेजर करता है, एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। पीएमसी कैसा मेजर करता है, ओनली डीसी को मेजर करता है। एमीटर का कनेक्शन सीरीज में होगा, वोल्टमीटर का कनेक्शन पैरेलल में होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट है यूनिफॉर्म स्केल, पीएमएमसी जो होगा यूनिफॉर्म स्केल होगा। एक सिग्नल दिया जाएगा, उसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। जो डीसी सिग्नल होगा वही आपका क्या होगा, उसका एवरेज वैल्यू होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो मेगा ओम में एक्सप्रेस करते हैं। मेगर का स्पीड क्या होता है, 160 आरपीएम होता है। अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, तो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस अल्फा होगा। वाट किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। ये आपका सेट नंबर क्या था, 28 था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 12 प्रॉब्लम को रिविजन करना है। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से लिया गया है, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना जब बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में आपका मेजरिंग डिवाइस से आपका प्रॉब्लम लिया गया है, जो आपको ये सब प्रॉब्लम आना चाहिए। ये आपका बेसिक प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना, ये सब प्रॉब्लम को रिवीजन कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।